तो गाइज मैं ये लुक कैसे क्रिएट की हूँ, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और मैंने आज पहली बार फॉल्स आई लेसेस लगाई हूँ, इसलिए मेरे आँख कुछ इस तरह के लग रहे हैं। और आप तो बताएं कैसा लग रहा है। गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही सिंपल मेकअप सिखाने वाली हूँ बिगनर्स के लिए, जिन लोगों को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है। ये स्पेशली मेरी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड मोना ने ये मुझे बोला कि आप सिंपल मेकअप सिखाइए जो बिगनर्स लोग के लिए बहुत ही इजी वे में मेकअप क्रिएट कर सके। तो इसलिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ स्पेशली मोना के लिए। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से CTM कर लेना है मेकअप करने से पहले। CTM का मतलब है क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। मैंने ये कर चुकी हूँ CTM, और क्योंकि CTM करने से आपके स्किन अंदर से क्लीन एंड क्लियर रहेंगे, तो नेचुरली आपके स्किन फेयर और ज़्यादा फ्रेश दिखेंगे। मैं उस पर भी वीडियो एक बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि CTM कैसे किया जाता है। तो अब मैं आप CTM के बाद का स्टेप बताती हूँ। क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जब कंप्लीट हो जाए तो आप अपने पूरे फेस को मेकअप फिक्सर स्प्रे या मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने पूरे फेस को अच्छे से स्प्रे करें। और मैं भी जो भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रही हूँ मैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप लोग जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये मेकअप रिवोल्यूशन का है, मैं उसे स्प्रे कर लेती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मेकअप बहुत देर तक टिका रहेगा। सेटिंग स्प्रे बहुत ही इसेंशियल है, इससे आपका ये मेकअप करने से पहले भी स्प्रे करना ज़रूरी रहता है और मेकअप करने के बाद भी बहुत ही ज़रूरी है। मेकअप करने से पहले इसलिए ज़रूरी रहता है कि आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करेगा, और जब मेकअप करने के लास्ट में इसलिए इसेंशियल होता है क्योंकि ये आपके मेकअप को बहुत देर अच्छे से फिक्स कर देगा, लॉक कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, एंड सेकेंड स्टेप है, अगर चूँकि बिगनर्स के लिए मेकअप ट्यूटोरियल मैं बता रही हूँ तो सिर्फ बहुत ही सिंपल कॉस्मेटिक्स यूज करने को बताऊंगी जो बिगनर्स के पास जरूर रहेंगे। तो ये है एलोवेरा जेल जो आप लोग के पास जरूर रहते होंगे, तो इसे आप लगाएं क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग बिगनर्स और बहुत सारा कॉस्मेटिक्स खरीद ले जैसे प्राइमर ये वो, क्योंकि जिन लोगों को मेकअप करना उतना नहीं आता या पसंद नहीं है या कभी कभी करते हैं तो उतना कॉस्मेटिक्स की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कम कॉस्मेटिक्स में भी आप मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले एलोवेरा को जेल को इतना सा लेना है और उसे पूरे फेस पर एज ए प्राइमर आप यूज करें, ठीक है, इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे, आपके स्किन हाइड्रेट होंगे और आप जो मेकअप करेंगी तो आपका फेस जो है ड्राई नहीं होगा और आपका फेस क्रैकी नहीं दिखेगा। चूंकि अभी ठंडा का दिन है तो अभी बहुत ही इसेंशियल है ये आपको यूज करना, ठीक है। तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा, ठंडा में तो बिल्कुल भी नहीं। और जिन लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल भी मिक्स कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लगाने के बाद देखिए आपका स्किन हाइड्रेट हो जाता है, इसके बाद आपको स्किन को पोछना नहीं है, इसे इसी तरह लगे रहने देना, उसके ऊपर ही मेकअप अप्लाई करना, ठीक है। इस तरह से आपको अप्लाई करने से एक फ़ायदा आपके पास ये भी है कि आपका स्किन में आप कोई भी क्रीम लगा रहे हैं तो वो आपका स्किन इफेक्ट या डैमेज नहीं होगा, क्योंकि आपके स्किन में जो एलोवेरा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, ओपन पोर्स को क्लोज कर चुका है। और आप जितना भी आप कॉस्मेटिक्स यूज करेंगे चाहे कोई भी ब्रांड का, तो वो आपके मेकअप को स्किन के अंदर नहीं जाने देगा, वो बाहरी लेयर पे ही रहेगा। तो जिससे क्या होगा कि आपका स्किन डैमेज नहीं होगा, इसलिए प्राइमर का यूज करते हैं, लेकिन एलोवेरा भी बहुत ही अच्छा प्राइमर है। सेकंड है ये फेयर लवली जो मेरा पूरा खत्म हो चुका है, तो चूंकि बिगनर्स के पास तो फेयर लवली जरूर होगा तो आप थोड़ा सा फेयर लवली निकाल लें, ठीक है, इतना सा फेयर लवली आप निकाल लें। और ये फाउंडेशन अगर आप बाहर जा रही हैं तो आप अगर घर में यूज कर रही हैं तो आप सिर्फ फेयर लवली यूज करें, और अगर आप बाहर जा रही हैं या पार्टी के लिए आप बिगनर्स लोग रेडी हो रही हैं घर पे तो आप
को अगर, क्योंकि बिगनर्स को इतने अच्छे से फाउंडेशन को मिक्सअप या ब्लेंड करने नहीं आता है, तो उसका सबसे बेस्ट फाउंडेशन बिगनर्स के लिए ये मूस फाउंडेशन है। ये सभी तरह के स्किन पे अप्लाई हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये बिगनर्स को ये सभी टाइप्स ऑफ स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे आर्गन ऑयल मिक्स होते हैं, तो आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से स्मूथ रखेगा, शाइनी रखेगा। मैं लिंक दे दूंगी। आपको करना क्या है, थोड़ा सा फेयर लवली और थोड़ा सा इतना सा आपको फाउंडेशन इसमें इस तरह से अपने हाथ पे रखना है, ठीक है। इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह से मिक्स करने के बाद इससे क्या होगा, मैं मिक्स इसलिए की क्योंकि मिक्स करने से क्या होता है कि जो बिगनर्स है वो अगर सिर्फ डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट दिखेंगे और वो अच्छे से उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर इस तरह से आप करके लगाओगे तो आपके स्किन पे वाइटनेस नहीं आएगी, आप नॉर्मल जो क्रीम लगाती है उस तरह से इफेक्ट दिखेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसे इस तरह से मिक्स करके आप अपने पूरे फेस पे इस तरह से डैब डैब करके जो जो एरिया दिख रहा है इस तरह से लगा ले, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि बिगनर्स के पास तो अभी ब्लेंडर या मिक्सअप करने का ही रहेगा नहीं, तो आपके जो फिंगर टिप होते हैं वो आप होते हैं वो बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग का काम करता है। अभी सब ब्लेंडिंग का ब्लेंडर का यूज करने लगे हैं, नहीं तो पहले के समय में हाथ से ही ब्लेंड किया जाता था। कहा जाता है, मेरा मानना है कि अगर आप हाथ से ब्लेंडिंग कीजिएगा तो हाथ के स्पर्श की जो गर्मी है तो हीट होती है वो आपके स्किन के में आपके जाके बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग होता है। अभी न्यू फैशन आ गया है जिसके कारण सभी लोग ब्लेंडर का यूज करने लगे हैं, लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आप हाथ से ही ब्लेंडिंग कीजिए, आपके हाथ के जो हीट है उससे अच्छे से मेकअप ब्लेंड होंगे, आपको कोई तरह के ब्लेंडर या ब्रश खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट उस तरह से नहीं होगा। बस इस तरह से हल्के हल्के अपने हाथ को इस तरह से करें। वीडियो शायद थोड़ा लंबे भी हो सकता है क्योंकि मैं डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोग के लिए कि ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कान एरिया को भी अच्छे से ये कर ले, ठीक है। ना पाउडर भी यूज कर सकती है या फेस पाउडर, लेकिन मैं आपको व्हाइट पाउडर यूज करने के लिए बोलूंगी क्योंकि व्हाइट पाउडर जो होता है वो सभी के स्किन पे अच्छे से मिक्स हो जाता है, सेट कर जाता है। या फेस पाउडर आप लोग के पास होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप मेकअप में फेस पाउडर ना ही यूज करें तो बेहतर है। अगर आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन डीप है तो आप फेस पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करें, क्योंकि फेस पाउडर जितने भी होते हैं येलो कलर होते हैं तो वो सब आपके स्किन को थोड़ी देर के बाद ब्लैक कर देंगे। लेकिन अगर आप व्हाइट पाउडर यूज कीजिएगा तो आपके स्किन को कभी भी वो ब्लैक नहीं होने देगा, ठीक है। तो आप इस तरह के व्हाइट पाउडर आप इसे यूज करें। आपके पास तो इस तरह का डब्बा होगा तो इसमें थोड़ा सा निकाल लें, एक्स्ट्रा झाड़ लें और इस तरह से अपने फेस पे हो गया। उसके बाद काजल पेंसिल जो होता है, आपको कोई अलग से आपको आईब्रो किट या आईब्रो इन्हेंसर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास काजल है बस हल्का सा इसे आप अपने आईब्रो पर फिनिशिंग दें। फिनिशिंग कैसे देना है, आपके जो आगे के पोर्शन है वो हल्के होते हैं और जो पीछे के पोर्शन है वो हल्के होते हैं, तो आपको बस उसे ही फिल करना है, ना कि आपको पूरे आईब्रो पर करना है। पूरे आईब्रो पर करोगे तो बहुत ज़्यादा वो ब्लैक होगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस एरिया को शेप देते हुए, आप चाहो तो इसे थोड़ा शेप दे सकते हो, लेकिन आप लोग बिगनर्स को आपको नहीं समझ में आएगा इस तरह से, ठीक है। हो गया। उसके बाद अच्छे से ये कर ले। आपके पास ये कॉम ना हो तो आपके पास पतले कंघी होंगे, उससे अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर ले। अच्छा सा एक कोई भी एक आई शैडो पैलेट ले, ठीक है, और मैं आपको हल्का ही सिखाऊंगी, ठीक है। मैं अभी ब्लू कलर लगाई हूँ तो बस एक शेड से ही दिखाऊंगी। ये ब्लू कलर आप अपने फिंगर टिप पे लें या आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। आई मेकअप मैं आपको अलग से एक स्पेशली वीडियो बना दूंगी क्योंकि आई मेकअप मैं अभी बहुत ही सिंपल तरीके वाला बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने आई लिड पे इस तरह से रख लें, ठीक है। ठीक है, और ये जो लाइट पिंक है ये एरिया पे आप लगाएं, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद ये जो सिमरी है उसे आईब्रो के नीचे, ठीक है, बस और कुछ करना नहीं है। और उसके बाद काजल ले लें और काजल को ही आप अपने आँख पे इस तरह से अप्लाई कर लें। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो आई लिड में भी भर सकते हो। ये ले काजल, आपके पास अवेलेबल होगा। जो भी काजल यूज करती हैं उसे भी अपने आईज पे अप्लाई कर ले, अलग से लेने वो भी एक अच्छा सा ब्रश ले लें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो ईयरबड से अपने काजल को अच्छे से ब्लेंड कर, उसके बाद अगर आप ज्यादा थोड़ा सिमरी करना चाहते हैं तो इस तरह से हाथ में ले और बीच में रखना। आप चाहे तो ये सीमर को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, ये एज यू विश, ठीक है। उसके बाद एक मस्करा ले, मस्करा को अच्छे से अपने आई लैसेस के ऊपर और नीचे आई लीड आई लैसेस के पे अच्छे से लगा लें, ठीक है। अगर इसे लगा लेने से आई लैसेस जो है बड़े दिखते हैं फॉल्स लगाने के। ब्लशर पैलेट लेकर हल्का सा इस तरह से कर लें। आपके पास ब्लशर पैलेट नहीं है तो हल्का सा लाइट पिंक लिपस्टिक अपने हाथ पे लेकर हल्का सा नोज भी लगा लें, कंटूरिंग कर लें। चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंटूरिंग सही नहीं होगा तो आपके नोज टेढ़ा दिखेंगे, तो आप इसे स्किप ही कर दें। ब्लशर पैलेट से ही अपने फेस को अच्छे से कंटूरिंग कर दे, अलग से कंटूर पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, कंटूर कर सकते हैं। एक लाइट पिंक हाइलाइटर लें और उसे अपने चीक बोन पे जो हाइलाइटेड एरिया है उस पे हाइलाइट करें, ये ज़रूर करें। इससे आपकी स्किन एकदम फ्रेश दिखेंगे और बहुत ही शाइनिंग करेंगे, नेचुरल ग्लो दिखेगा, तो बहुत ही अच्छा। लिप लाइनर की बारी। लिप लाइनर में आपको लिप को पूरा फिल करना है लिप लाइनर से। इससे क्या होगा कि आपके लिप के कलर जो है वो अच्छे से, आप ऊपर से लिपस्टिक लगाइएगा तो उभर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी लिपस्टिक जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके फेवरेट हो, उससे अपने लिप को फिल कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अपने मन पसंद बिंदी को लगा लें अपने हेड पे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास जो भी अवेलेबल सिंदूर है उसे आप लगा लें, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो इससे स्किप करें। लास्टली अपने मेकअप फिक्सर स्प्रे से अपने फेस पे स्प्रे करें ताकि आपका मेकअप बहुत देर तक, और उसके बाद ये पूरा सूखने दे। और बाकी जो मैं ज्वेलरी है मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सिंपल मेकअप हो गया है कंप्लीट, तो इस तरह से आप लोग भी अपना सिंपल मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। और हेयर को आप लोग जैसे भी चाहें आप लोग कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे करके आप कर सकते हैं या तो आप अपने बाल को खुला भी रख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए ये है हमारा सिंपल और फाइनल लुक। गाइज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा ये मेकअप लुक कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू।